बेल मिल चुका है, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी, और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, यहां तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है, तमाम लोग चाह रहे हैं बाहर आकर, उनको जैसे वो बाहर आए उनसे मिलने के लिए। हमारे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं, तो जन सैलाब उमड़ेगा उनके स्वागत में। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इस तरह के जनप्रतिनिधियों को जनता से दूर करके, जो भी पता नहीं कौन ऐसा साजिश जिन्होंने भी रची होगी, उनको इसका जवाब मिला है। 400 पार का नारा लगाने वाली सत्ता जो है वो कुछ ही सीटों में सिमट गई है, शायद इसीलिए उनको फिर जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को आप लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से सम्मान करते हैं, बल्कि इससे बहुत ज्यादा खुश है हमारी कार्यकर्ता, और उनके आने पर बिल्कुल जान आ जाएगी पार्टी में भी, क्योंकि कार्यकर्ता मायूस थे। हालांकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री चंपे सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरह से इसका सामना किया और पूरी पार्टी जिस तरह से इसको लेकर चुनाव लड़ी, तो उससे बहुत अच्छा संकेत गया है पूरे देश भर में कि इस तरह से लोकप्रिय जननेताओं को दूर करके भी ऐसा नहीं है कि आप बाजी मार लेंगे इससे, बल्कि और नेगेटिव ही प्रचार होता है।